लाइफ एक जर्नी है, सबकी होती है, एक सेम लाइन तो नहीं चल सकती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। जब वो डाउन आता है तो गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। ड्रोन खिलाड़ी का प्रोमो है, बिग बॉस चल रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देर से सवाल आ रहा है फैंस का हमारे चैनल पे कि तुसी व्याह कदू कर रहे हो, दस दो। और ये हम चाहते कि चश्मे की जगह आंखें से आंखें मिलती, आज तो अच्छा लगता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स, मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल। और आज हम पहुंचे हैं दिल वालों के शहर दिल्ली में, काया क्लिनिक पे, जो कि सालों से पॉइनर है इस इंडस्ट्री में, स्किन केयर में, और सालों से लोगों को सर्व करते आ रहा है। आज इनकी एक और ओपनिंग है जिसपे हम पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आई मस्ट से गॉड्स बेस्ट क्रिएशन जैस्मिन बसीन विद अस। जैस्मिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। थैंक यू सो मच। पहले तो सबसे पहले काया की माया के बारे में बात कर लेते हैं। इतने सालों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के रखी है और अब नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा अंदर जो एक मशीन थी, स्पेशल बुटीक, जो एक बॉडी बुटीक जो था, तो पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। नया जो इनोवेशन है उसको लेके आप क्या क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्किन केयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, असेंशियल एक लाइफ का पार्ट है, तो इसके बारे में आप क्या कहना? स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है हमें अपनी स्किन को हेल्दी भी रखना चाहिए। एंड काया प्लेज अ वेरी बिग रोल, बिकॉज काया के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट इन देम। दे हैव स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ऑल योर स्किन कंसर्न्स, एंड यू कैन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देम। मोर देन 70 स्टोर्स, और अब एक और अब खुलने जा रहा है जिसकी ओपनिंग के लिए आप आए थे, तो सालों से हमें सर्व करते आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे आए इसकी वजह से काया वो नहीं है। इसके अलावा काया क्या क्या चीज़ें, स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या खासियत है, वो आप बताओ। काया के पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे मशीन्स और टेक्नोलॉजी सारे मशीन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से अबाउट लेजर्स फॉर हेयर रिडक्शन, फॉर स्किन पिगमेंटेशन, फॉर बॉडी कॉन्टरिंग, दे हैव इट ऑल, इट्स द बेस्ट। इवन व्हेन इट कम्स टू फेशियल, they have all the facials, they also have my most favorite facial, Hydra facial. Then they have IVs. IVs play a very important role, I feel, because कभी कभी हमारा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है, लाइफ स्टाइल होता है, हम अपने सप्लीमेंट्स ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। IV इज़ लाइक अ 10-मिनट सोल्यूशन, यू कम यू टेक योर IV फॉर वॉट एवर कंसर्न यू हैव, एंड दे हैव ग्रेट IVs फॉर हेयर हेल्थ एज वेल, विच इज़ अ न्यू थिंग। सो दैट्स द best thing about Kaya. I think they have it all if you want to look great and healthy. अगला ये सवाल है, क्योंकि जिस तरह आपकी जर्नी रही है, आप कभी हार नहीं मानते कोई भी सिचुएशन हो, अभी भी देखो आप सनग्लासेस पहन के, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप फिर भी आए करने, आपने कैंसिल नहीं किया, चाहे तो आप कर सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी, जहाँ आपने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक्स, पैम्पलेट बेचने से लेके फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कर्म भूमि में हम आपके खड़े हैं जहाँ दिल्ली में आपने काफ़ी टाइम गुजारा, फिर आप अकेले बॉम्बे गए, फिर फ्रोजन परांठे भी खाए, फिर वहाँ से डिप्रेशन आया, घर पर पैसों पैसों की तंगी भी आई बीच में, तो उसके बाद आप फिर शोज़ रियली सोप शोज़, आप पंजाबी मूवीज़, आपकी परसों भी एक रिलीज़ हो रही है, तो मतलब हाउ द जर्नी हैज़ बीन, कैसा रहा पूरा सफ़रनामा, और अब भी और भी चलता आ रहा है, तो ऐसी इतनी हिम्मत, इतनी कह सकते हैं ना कि इतना जो बुलंदनेस आपके अंदर है, बोल्ड, जो जितनी भी आपके बोल्ड हैं, बुलंद हैं, तो कैसे दिल में क्या है, या तो पंजाबी हैं तो वो खून में ही हैं, या तो उसके अलावा भी? दिल में यही है कि लाइफ एक जर्नी है, सबकी होती है, एक सेम लाइन तो नहीं चल सकती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। जब वो डाउन आता है तो गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, हार मानना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, बस चलते रहो, बी योर बेस्ट वर्जन, तभी लाइफ भी इंजॉय कर पाओगे। जब डाउनर आता है तभी हम अपर इंजॉय कर पाते हैं, आज की जेन ज़ी लैंग्वेज में, सो इंजॉय योर लाइफ लाइक दैट, बिकॉज दीज डेज आई सी द यूथ इज़ यू नो जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में चले, नहीं ऐसे नहीं है, हमारे को भी होता था, बट वी कैन ऑलवेज बाउंस बैक नो मैटर व्हाट सिचुएशन इट इज। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, गिविंग अप इज नॉट अ सॉल्यूशन और इवन एन ऑप्शन इन लाइफ, एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग। लास्ट टू क्वेश्चंस आपसे, एक तो रियलिटी शोज आपने इतने सारे करे, आप उनका पार्ट रहे हैं, अभी भी खतरों के खिलाड़ी का प्रोमो है, बिग बॉस चल रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप, वैसे तो आपने बताया जैसे अभी कि आप नहीं देख पा रहे बिग बॉस, या देख ही नहीं पा रहे थे इसलिए नहीं देख पा रहे थे, या बिग बॉस ही नहीं देख रहे थे, हाँ OTT देखा, हाँ तो खतरों के खिलाड़ी भी आ रहा है, अब OTT भी चल रहा है, तो उसको लेके गए। खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, वो मेरा सबसे फेवरेट शो है, तो खतरों के खिलाड़ी मैं ज़रूर देखूंगी, और OTT अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा यार, I'm sorry guys, you guys are making me feel bad about it. आपकी को स्टार अगली फिल्म में हिना खान, आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ, हाल फिलहाल में वो भी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही, तो आपने जब फिल्म किया उसके बाद जब आपको खबर पता चली, तो आप अभी उनकी आपसे बात हुई कुछ, आपने उनको मिले या कुछ ऐसा कभी कुछ एक पर्सनल लेवल पर? जितना आई नो हिना इज़ मच मोर सीनियर देन मी, और आई हैव ऑलवेज लुक्ड
अपॉन हर एज यू नो अ वुमन ऑफ स्ट्रेंथ. शी इज़ वेरी करेजस. और जब मुझे न्यूज़ का पता चला तब भी मुझे पता था शी इज़ गोइंग टू फाइट इट. शी इज़ अ वॉरियर एंड शी इज़ गोइंग टू गेट बैक. एंड आई ऑलवेज कीप हर इन माई प्रेयर्स कि उनका पेन ईज आउट हो जाए, क्योंकि दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिए होती है मुश्किल वक्त में. एंड आई एम प्रेइंग दैट शी विल बी बैक वेरी सून. ये जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं ये भी हमारे स्किन केयर सब इन सब का पार्ट है. अपनी ब्यूटी को और थोड़ा सा रिवर्स रिफर्बिश करने के लिए लोग पहनते हैं, सब यूज़ करते हैं. तो आपने जो आप सामना किए एक इंजरी का, तो आप क्या एक प्रिकॉशंस देना चाहेंगे जो आपको देखना चाहते हैं कि क्या क्या सावधानी. द रीज़न आई वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज इज नॉट बिकॉज आई वांट टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ माई आईज और एनीथिंग. आई हैव पावर. आई हैव -4.75 मायोपिया. फॉर दैट आई यूज टू वेयर एंड दिस इज अ बिग लेसन फॉर मी एंड आई हैव नोबडी टू ब्लेम फॉर इट. इट वॉज माई ओन केयरलेसनेस. लास्ट में मैं तो नहीं पूछना चाहता, ये मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बोला था, ये बड़ी देर से सवाल आ रहा है फैंस का हमारे चैनल पे कि तुम ब्याह कदों कर रहे हो, दस दो मेरे को मैं तो पर्सनली पूछना नहीं चाहता, मेरे लिए तो आप ना करो. हमारे तो ब्याह करना, मैं सबनों दसना है, मैं सबनों इनविटेशन भी भेजना है, मैं काया तो एक चंगा ब्राइडल पैकेज भी ले आऊंगी. प्रमोशन भी नाल देना. बिल्कुल. सो डोंट वरी, जदों भी होना है सब नू पता लगूगा. डोंट वरी. थैंक यू सो मच जैस्मिन और गेट वेल सून. और ये हम चाहते कि चश्मे की जगह आंखें से आंखें मिलती आज तो अच्छा लगता. ना ना बिल्कुल. बट ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए. एंड गेट वेल सून. थैंक यू सो मच.